अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राणा सलमान। आज हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की नरखों में जब इजाफा होता है तो एक आम शख्स के घरेलू अखराजात पर वो कितना असरअंदाज होते हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज बात की जाएगी कि हुकूमत ने हर आए दिन जो है वो बिजली के नरखों में जो है वो इस तरह इजाफा कर रही है कि लोगों को इस वक्त संभलने का भी मौका नहीं मिल रहा। हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते के बाद जो है वो इजाफा कर दिया जाता है कि बिजली के जो नर्ख हैं, बुनियादी टैरिफ है, उसमें अचानक ही जो है वो कभी 3 रुपये, कभी 4 रुपये, तो कभी 7 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है। क्योंकि एक महीने के अंदर लगभग कोई 4 से 5 दफ़ा जो है वो हुकूमत की जानिब से बिजली के नरखों में इजाफा किया गया। इसी के साथ साथ, इसी के पेश नज़र दूसरी तरफ, जहां पर आवाम को रिलीफ मिल रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो है वो पिछले महीने तक जो है वो कमी की जा रही थी, मगर पिछले महीने से ही जो है वो हर 15 दिन के बाद जो है उसके भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत है उसमें भी जो है वो इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से एक आम शख्स जो है उसके पूरा जो बजट है घर का, जो महीने का बजट होता है, वो बिल्कुल ही हिल कर रह चुका है। अब देखना ये है कि आवाम पर ये कितना असरअंदाज होगा और आवाम जो है वो इस बजट के हिलने से जो है वो कितनी मुतासिर हो रही है, क्योंकि बग़ैर कहे, बग़ैर किसी नोटिस के जो है वो हुकूमत अचानक ही जो है बिजली के नरखों में बार बार इजाफा कर रही है, जिसकी वजह से एक आम शख्स जो है वो मेंटली तौर पर भी बड़ा जो है वो परेशान हो जाता है कि इतनी अभी उसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं होता मगर बिजली के नर्ख जो है उसमें इजाफा कर दिया जाता है। शहरियों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या सोचते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अलहमदुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक आम शख्स जो है वो रात को सोता है और पता चलता है अचानक ही जो है बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया जाता है, जबकि वो पूरा महीने का एक बंदा जो है वो बजट बना कर बैठा होता है, और साथ ही पेट्रोल जो है वो भी हर 15 दिन के बाद जो है उसकी कीमत में भी रद्दोबदल देखने में आ रहा था, क्या कहेंगे कि कितना अफेक्ट करता है एक आम शख्स के ऊपर? बात यह है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपका जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है या डीजल का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ में ही इजाफा हो जाता है। आपका सब्जियाँ महंगी हो जाती है, फ्रूट आपका महंगा हो जाता है, हर चीज़ में उस पर फ़र्क पड़ता है। ये वक्ती तौर पर पेट्रोल का रेट कम करेंगे तो बिजली का रेट इनके ध्यान में होता है कि उसको बढ़ा दिया जाए या गैस का रेट बढ़ा दिया जाए, या बिजली और गैस का रेट बढ़ाने के अगले ही 5-10 हफ्ते के बाद या 5-10 दिन के बाद दोबारा ये पेट्रोल का रेट बढ़ा देंगे, डीजल का रेट बढ़ा देंगे। आम आवाम की इनको हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है कि वो किस हाल में जी रहे हैं, क्या उनकी सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, बिजली का बिल भरने में, गैस का बिल भरने में, पेट्रोल का। हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो अपना बजट के अंदर जो है ना अपने आप को सर्वाइव करें। अच्छा, अभी आशूरा गुजरा है, 10 मुहर्रम गुजरी है और हमने देखा है कि अचानक ही बिजली के नरखों में भी इजाफा हुआ और साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा कर दिया गया, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत किस तरह के जो है वो हुक्मनामे जो है वो जारी कर रही है और किस तरह के इकदाम उठा रही है कि आवाम के ऊपर बोझ ही बोझ आया जा रहा है? सर बात यह है कि ये जो हुकूमत है ना, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है ना। ये कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इसको अगर आवाम की फिक्र होती तो उसके मुताबिक ये फैसले करती। आवाम से हट के ये फैसले कर रही है, अपने इनके जो शाही खर्चे हैं वो दूसरी तरह इनके कैम और दैम है, इनके अपने सरकारी जो अखराजात उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं आई। लेकिन बात यह है कि आवाम के लिए तो इन्होंने अचानक से आर्डर जारी कर देना और आवाम भी आगे से उसको मजबूर है कबूल करने में, क्या करें अब? अब उसको रोज़ी रोटी पे लगा दिया है कि ना वो कोई संभल सकती है, ना कोई अपने आप को वो खुशहाली में ला सकती है किसी किस्म का। तो ये इनको, हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो कम से कम आवाम के लिए कोई अच्छा सोचे, कोई बेहतर सोचे, कोई अच्छे फैसले करे जो आवाम के फेवर में हो, वो अपने घरेलू बजट को कम से कम अच्छे तरीके से चला सके। अच्छा, आपकी नज़र में जो हुकूमत है उसके शहाना खर्चे कौन से हो सकते हैं? शहाना खर्चे इनके देख लें, इनके प्रोटोकॉल देख लें आप। इनके एक वजीर अगर जा रहा होगा तो उनके आगे पीछे 15-20 गाड़ी आगे होंगी, 15-20 गाड़ियाँ पीछे होंगी, क्या उनका फ्यूल का खर्च नहीं हो रहा? क्या उनके ऊपर जो प्रोटोकॉल के ऊपर जो करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है वो कहाँ से वो कर रहे हैं? वो इसी तरह पेट्रोलियम के रेट बढ़ा के तो अपने जो है ना शाही खर्चों को उन्होंने वो बढ़ाया हुआ है। तो कम अज़ कम सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि वो अपने खर्चों को कम करे,
ये जो जितने भी वफाकी जो महकमे हैं उनके अंदर जो ये फजूल किस्म के अखराजात चल रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। दोहराने दिए जा रहे हैं, अशाइये दिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सबसे पहले हुकूमत को अपना रोल मॉडल जो है ना आवाम के सामने पेश करना चाहिए कि हम जो सरकार है वो अपने आप को आवाम के सामने लाए कि हम देखो खर्चे कम कर रहे हैं, तो फिर आवाम जो है वो भी सोचेगी कि चलो ठीक है हुकूमत ने खर्चे कम किए तो हमें भी कुर्बानी देनी चाहिए। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि अगर मेहमान नवाजी जो है वो तो दीन इस्लाम में भी है, तो अगर ये जोराने या शाइये देते हैं तो ये तो एक किस्म की मेहमान नवाजी भी तो करते हैं, तो इसमें अखराजात का क्या? बात ये है कि अब जोराने में दिया जा रहा है तो आवाम के लिए तो इन्होंने शादी हाल में रखी हुई है वन डिश। सही बात है, ठीक है, शादी हालों में इन्होंने वन डिश रखी हुई है, तो मेहमान नवाजों के लिए तो इन्होंने अच्छे खासे, जब इनका प्रोग्राम देख लो उसमें आप डिशों की तादाद ही गिनती नहीं कर सकते, उनमें आप मेहमानों की तादाद ही गिनती नहीं कर सकते कि कितने मेहमान आए हुए, कितनी डिशें उसमें पकी हुई हैं। जब आवाम के लिए इन्होंने शादी हाल में वन डिश का प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है तो फिर इनको अपने सरकारी अखराजात में भी ये चीज़ रखनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, शहरी ने बिल्कुल सही बात उठाई है कि जब आप एक आम आदमी के लिए वन डिश रख सकते हैं तो जोहराने में या अशाइये में आप वन डिश क्यों नहीं रख सकते? वहाँ क्या ज़रूरत पड़ती है कि आपको बहुत ज़्यादा तादाद में खाना भी बनाया जाता है जबकि वो खाना इतना इस्तेमाल भी नहीं होता, फिर उस खाने को करते क्या हैं? और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो होने वाली बिजली यूज़ होती है उसके ऊपर भी गौर व फिक्र करना चाहिए, और प्रोटोकॉल में जो आपके पेट्रोल या डीजल यूज़ होता है वो कहाँ से आता है? वो इसी आवाम के टैक्सेस से आप लोग इंजॉय करते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स आप लेते हैं तो वो क्या इनके लोगों के टैक्सेस जो वो भरते हैं क्या उनके ऊपर ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती कि उन्हें भी रिलीफ दिया जाए? मजीद शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या काम करते हैं आप? सर मेरा काम ड्राइविंग का है। ड्राइविंग करना है। तो आप पेट्रोलियम मसनूआत से बखूबी वाकिफ होंगे? बिल्कुल वाकिफ हूँ। तो आपका घर जो है वो जाहिर सी बात है पेट्रोलियम मसनूआत पर चल रहा होगा, ड्राइविंग करते हैं तो आपको गाड़ी चलानी है, आपको पता है कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल कितना यूज़ होना है? बिल्कुल यूज़ होता है। तो ये जो हम पिछले चंद महीनों में देख रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बतदरीज कम होती जा रही थी फिर एकदम अचानक ही बढ़ना शुरू हो गई, क्या समझते हैं कि आवाम के ऊपर क्या असरात होंगे इसके? सर ये सरासर जुल्म है, एक दूसरे की लातें खींचने के अलावा, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा और कोई काम नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। आवाम को बिल्कुल इन्होंने मफरूज कर दिया है, किसी काम का नहीं छोड़ा। सर टांगे किस तरह खींच रहे हैं? ये तो पीपल्स पार्टी और सबकी मिला के हुकूमत है ना, सिर्फ एक पार्टी है जिसे इन्होंने साइडलाइन किया हुआ है। सर जी आप बाखूबी जानते हैं इन्होंने अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को एक बंदर की निस्बत लाकर खड़ा कर दिया है। ये डुगडुगी बजाते हैं और अवाम को नचाने के लिए इनका कोई काम नहीं है। अवाम को किस तरह नचा रहे हैं? ये नचा नहीं रहे तो क्या है? अब बिजली का बिल है, एक बंदे की अमाउंट जो है महीने की कुल टोटली 15,000-20,000 मजदूर आदमी की, और उसका बिल जो है वो 30,000 आता है, तो वो कहाँ से पूरी करेगा? सर ये जो बजट आया था इस बजट में तो उजरत बढ़ाई गई है। कहाँ से उजरत बढ़ाई गई है? क्यों उजरत दे रहा है मुझे बताएं आप, किसी के पास चले जाएं, आज यहाँ पे देख लो जहाँ पर आप बैठे हो 100 बंदा से ज्यादा, यहाँ छोटा सा इलाका है, 500 बंदा 100 बंदे से ज्यादा रोजाना बेरोजगार होता है यहाँ पे, रोजाना बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। 100 बंदा अगर रोजगार नहीं कमा रहा डेली का तो इसका मतलब 100 खानदान हो गए वो तो? बिल्कुल ऐसे ही है पूरी, हालांकि यहाँ तक के देख लें आप के मुआशरे का मुआशरा तबाह हो रहा है, कोई सोच विचार नहीं है किसी चीज़ की। क्या समझते हैं फिर क्या कौन जिम्मेदार है? हकुमत? हकुमत ये सारा टोला का टोला ही जिम्मेदार है, ये सारा टोला सारा जिम्मेदार है। तो फिर मुझे ये बताएं फिर हकुमत ने लाने के लिए आप आवाम ने ही तो वोट दिए हैं? बिल्कुल हमने नून लीग को वोट दिया है, मगर हमारी उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या सोचकर वोट दिया था नून लीग को कि क्या करेगी? नून लीग एक पाकिस्तान की वाहिद जमात है कि पुरानी जमात चलती आ रही है, इसके दौर में रिलीफ मिलता रहा है आवाम को, ठीक है ना। मरियम साहिबा से भी यही गुजारिश है कि इंशाल्लाह इन चीज़ों पर जो है ना वो कंट्रोल करें और गरीब आवाम के बारे में सोचें। देखिए जी आप लोगों को वोट दिया इस उम्मीद में कि पाकिस्तान जो है वो बदलेगा, मगर आवाम के हालात जो है ना वो बद से बदतर बदल दिए गए, मगर हुकूमत जो है वो नहीं सोच रही। लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन आवाम जो है वो इस वक्त बेहद परेशान नज़र आ रही है कि बिजली के नर्ख जो हैं वो आए दिन जो है वो उनमें इजाफा कर दिया जाता है, और उस इजाफे के बायस जो है
वो लोग अपना पूरे का पूरा महीने का जो बजट है वो उनका डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके साथ साथ बैरोक्रेसी के शहाना खर्चे, मिनिस्टरों के शहाना खर्चे जो हैं वो बेहद परेशान करते हैं कि आवाम के जो टैक्सेस हैं उनसे ये पेट्रोलियम मसनूआत इनकी पूरी की जाती हैं, इनके बिजली का खर्च पूरा किया जाता है, मगर आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। मजीद आवाम के पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का करम सर। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से एक नामुनज़्ज़म तरीका नज़र आ रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, तो चलो पता है कि 15 दिन के बाद जो है उसमें उतार चढ़ाव आता है, और हमने ये भी देखा है कि कुछ अर्सा कबल बहुत ज़्यादा जो है वो कमी भी आ रही थी, मगर फिर अचानक ही बढ़ा दिया गया, क्या करेंगे? मसला इस दौर, जब से ये पाकिस्तान बना है ना, हर दौर में आवाम पिसती ही आ रही है। तरीक़ेकार इनके शैनो शान खर्चे ख़त्म नहीं होते, जब प्रोटोकॉल इनका ख़त्म नहीं होता, ये बिजली और गैस के चक्कर में आवाम को डाला हुआ। जब हम इनसे नहीं निकले, पहले तो बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हम इन पार्टियों से नहीं निकलेंगे मुल्क की बेहतरी आ ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ सही होगा था, इमरान खान सही होगा था, जरदारी सही है या बलावल भुट्टो सही है, जब हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकले मुल्क की बेहतरी आ नहीं सकती। एक पाकिस्तान एक पाकिस्तान एक बने, जब से हमारे बाद में ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ है, मुझे बताओ उनकी करेंसी हमारे से ज़्यादा होगी, हम मजीद पीछे से पीछे जा ही जा रहे हैं। बांग्लादेश शिफ्ट हो गया, इंडिया में शिफ्ट हो गया, हम सनत में सबसे आगे थे, अब हम सब लोग मुल्कों से पीछे चले गए। क्या वजह है कि इन सियासतदानों की वजह से। जब तक आवाम हमारी सही नहीं होगी, आवाम अपनी नज़रियात पे खड़ी नहीं होगी, हम कभी भी सुधर नहीं सकते। जब तक हम नज़रियात पे जब खड़े होंगे, हमारा माटो एक मकसद होगा, महंगाई भी कम होगी, बेहतरी भी आएगी। हम पार्टी को पीछे लड़ लड़ के अब मुल्क की बेहतरी नुकसान चुके, IMF के बाद भागते रहते हैं, कर्जे लेते रहे, क्या फायदा? यही लोग सियासतदान खर्च कर जाते हैं, क्या फायदा? आवाम को कभी फायदा मिला? कभी बिजली महंगी हो रही, कभी गैस महंगी हो रही है। जब पिछले दौर में गैस की कीमत तकरीबन 16 से, मैं कमर्शियल कारोबारी था, अब कारोबारी की वजह से पिस चुका हूँ, बेरोजगार हो चुका हूँ, इसी वजह से कि कारोबार की शफकत नहीं, लोगों को कारोबार नहीं कर सकते, इसी वजह से आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। क्या था? मेरा होटलिंग का काम था, जो परेशानी की वजह से आज बेरोजगार हो चुका है, बंद हो चुका है। सिर्फ क्या कि गैस की वजह से, गैस की वजह जो 1600 कुछ पेयर स्क्वायर पड़ता था, अब इन्होंने 3900 कर दिया है। अब बटन आवाम पे पड़ रहा है, आवाम कब तक बिल भरे या खाए पिए, क्या करें? आवाम की तो रोटी पूरी नहीं होती, आवाम क्या करें? आवाम तो खुदकुशी करने पे मजबूर हुई पड़ी है। ये पार्टी की वजह से निज़ाम ख़राब हो रहा है। अगर एक पार्टी बरसे इकदार रहे, ये पार्टी से निकले, मुल्क में बेहतरी, कभी मुल्क में ऐसी बेहतरी नहीं आ सकती जब तक हम आवाम सही नहीं हो सकती, आवाम खुद सही नहीं है। पार्टी के पीछे पड़ सके, आज मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है पार्टीबाजी के चक्रों में, चक्र में वो कर... अच्छा ये बताएं कि क्या आप ये नहीं समझते कि एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जो बिजली के नर्ख हैं इनका भी एक टाइम फिक्स कर दें, एक महीना फिक्स कर दें या एक डेट फिक्स कर दें कि उस डेट के बाद बढ़ा दीजिए। अचानक जो बढ़ाना बिजली के नर्खों का ये भी आवाम के लिए बड़ा परेशान है। आपके लिए आप मोबाइल पर ऐप चल रही शहबाज शरीफ साहब की, वो कह रहे हैं सिर्फ 3 महीने के लिए किया है। ओ भाई मेरे, 3 महीने के लिए क्या किया? 200 यूनिट पे वही रेट होगा जी। अब जो आम नॉर्मल आदमी 200 यूनिट से ज़्यादा सर्फ कर जाता है, अब एक घर में 2-3 तो पक्खे चलेंगे, यार 2-3 कमरे हैं, गरीब आदमी और लोड शेडिंग इतनी है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, उस वजह वो आवाम का उसमें क्या कसूर? ये लॉसेज किस पे डाल रहे हैं? आवाम पे डाल रहे हैं। वो वापटा कंट्रोल करे, ब्यूरोक्रेसी उनके शहनो शहर, उनको यूनिट इतने दिए हुए हैं, वो ही चीज़ आवाम के लिए बचत हो तो आज आवाम सुरखरू हो, लेकिन ये आवाम को सुरखरू रखना नहीं चाहते। इस वजह आवाम को डुग डुग के पीछे लगाया हुआ है कि ये अपनी खब में डले, सियासतदानों की तरफ ना देखें, इसी वजह से आवाम अपने चक्कर, रोटी के चक्कर अब क्यों नहीं निकलती? आवाम खुद तंग हुई है, नहीं तो आवाम जितनी आजकल तंग है ना, आवाम सलाब की तरह निकले, इसी वजह से नहीं निकल रही कि ये वजह है। आवाम अपनी रोटी पूरी करें, इन सियासतदान सारों से तंग आए हुए। रमजान पैकेज दे दिया भाई मेरे, 1200 अरब कोई कुछ ठीक ठाक पेमेंट होती है, 1200 अरब सब्सिडी देती, वही आम जरूरियात के लिए लोगों को, दुकानदार में देख ली, फैक्ट्रियालों को बुलाओ, तमाम सनतकारों को मीटिंग बुलाई जाए कि यार हमने ये ऑर्डर कर दिया माह रमज़ान पे, तमाम दुकानदारों पर ये आटा इस रेट पे बिकना चाहिए। क्या हर आवाम को वहाँ सहूलत नहीं मिलेगी? चंद लोगों की खर्चे शाही DC और कश्मीर को लगाकर फोटो सेशन खिंचाते हैं, बजट खर्च करते हैं, ये कहते हैं कि आवाम के लिए हमने 1200 अरब नॉमिनेट कर दिया,
वो भाई 1200 अरब बहुत पेमेंट होती है अगर सही उसको इस्तेमाल किया जाए। अब ये कह रहे हैं जी हमने 50 अरब नॉमिनेट कर दिया, ये 95 खानदानों को फायदा होगा। शहबाज शरीफ का ही था, मैं खुद मेरे मोबाइल पे आती रही है, लेकिन मुझे नहीं आता 50 अरब रुपया। वही एक हम जैसे इंडिया हमारे से आगे, इंडिया के पास इतने डैम नहीं थे, जब तक बिजली पानी पे कन्वर्ट नहीं होगी आवाम को सहूलत नहीं मिलती। तो डैम बन तो रहे हैं, डैम कहाँ बन रहे हैं? एक गवर्नमेंट जाती हो कहते हैं 50 अरब रुपया खर्चा, फिर वो फंड पड़ जाते हैं, बटन आवाम पे पड़ता है, कर्जे ली जा रहे हैं, काम वहीं के वहीं रुके हैं। आप एक सड़क टूटी पड़ी है, मुझे ये बताओ कि एक टूटी पड़ी है अगर उसको दोबारा हल्की सी रिपेयर कर दिया है बजट उसमें कम लगेगा। ये इसलिए नहीं लगाते कि वजह के फंड आएंगे उस पर हम अरबों रुपया लेंगे खाएंगे गड़प कर देंगे। MNMA को नॉमिनेट करते, मैं कई जगह पर रोड पर जाकर देखा है हल्की सी रोड टूटी हुई है उसको रिपेयर नहीं करेंगे, उसको पूरा कोटा मंजूर कराएंगे। ओ भाई मेरे उसको ही रिपेयर कर दो, आवाम के निकल के आसानी हो जाए, लेकिन आसानी है ये पैदा नहीं करते, बिल्कुल दलदल में फंसाते हैं आवाम को। आवाम को अपनी तरफ देखना नहीं देखते क्योंकि आवाम अपनी तरफ, आवाम तंग आ चुकी है। आवाम में सब ट्रंक वोट क्यों नहीं निकल रहा, आवाम किसको, अब क्यों नहीं वोट के लिए निकलती, इसी वजह से नहीं निकलती। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आवाम एकदम मुत्तहिद हो, किस तमाम को रिजेक्ट कर दे। सही बात, जब रिजेक्ट करेगी तो निज़ाम में तब्दीली आएगी, नहीं तो नहीं तब्दीली आ सकती। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें एक होना पड़ेगा, पार्टी बाजी से निकल कर पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। सर आप क्या कहेंगे कि ये जो बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं, तो एक आम आदमी का जो बजट है वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है? बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। मैं रक्षा ड्राइवर हूँ। अच्छा। मैं रक्षा चलाता हूँ, 1000 रुपया दिहाड़ी 1200 कमा के लाता हूँ, इसमें 600 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, 700 रुपये का, 300-400 रुपये कमा के घर लाते हैं, जहाँ तो मकान का किराया भर दें या बिजली के बिल भर दें। अब मेरे घर का एक महीने का बिल आया 15,200 रुपये। अच्छा। और मैं रक्षा ड्राइवर हूँ, तो मैं उसको क्या करूँगा, जब बच्चों को खिलाऊँगा या बिल भरूँगा? फिर बिल आता है और कहते हैं जी एक महीने के बाद बिल भरो नहीं तो मीटर कट जाएगा। फिर इधर से मांग, उधर से धार मांग, उधर से कर्जा उठा, बिल भरते हैं। गैस का बिल 4,000-3,000 से ऊपर नहीं आता एक महीने का, हमें तो इन्होंने बिलों पर लगा दिया। रोटी पूरी नहीं होती, बच्चे नहीं पढ़ाते, बच्चे घर बिठा दिए। बताएं मुझे कि अब एक महीने का आपका बजट होगा, उस बजट को आप मैनेज किस तरह करते हैं? यार चलो जी अब 10,000 रुपये या 15,000 रुपये बिजली का बिल आना है, आपको एक आइडिया है, चलो जी वो रख दिया, मगर अचानक ही पता चलता है जी कि पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, तो फिर किस तरह मैनेज होगा? सर मैंने सिर्फ दार उठाएंगे, कर्जा उठाएंगे किसी से, कर्जा ही होते जाएंगे, कर्जा ही उठे जाएंगे। जो ये जब से ये बैठे हैं ना, हमने उनको मैं सारी ज़िंदगी से हो संभाली ना, नून लीग के वोट डाले हैं। सही है, पर हम घर वालों का वोट डाले ना, घर वाले भी हमें गालियाँ निकालते हैं, हो डालो इनको वोट। इन्होंने आवाम का सोचा ही नहीं है कि यार के नीचे वाले तबके को देख लें यार, जो रेहड़ी लगाता है, खोता रेहड़ी चलाने वाला है, रक्षा चलाने वाला है, इन्होंने सोचा ही नहीं है। अब राशन इन्होंने कहा जी घर घर बुआ खड़का के राशन देंगे, हम बैठे हैं रक्षा चलाने वाले, 4 मेरे बच्चे हैं, कोई 1 रुपये का राशन हमें नहीं मिला, 1 रुपये का भी राशन नहीं मिला, 1 रुपये का राशन हो राशन दिया ही नहीं, दिया ही नहीं, तो हमें दिया आया किसको नहीं। सर ये पता नहीं चलता जब बांडा किसको किसको दिया जी, पहले तो घर घर आएंगे, घर घर आए कोई नहीं, सर्वे किया इन्होंने, सर्वे करके इन्होंने कुछ नहीं दिया, जब लेने जाओ पता लगता जी अहल हो नहल हो आप नहीं है नहीं है जी। फिर सर्वे किस चीज़ का किया गया? बाजी सर्वे वाम को दिखाना जी, इधर से ये वाम को देते हैं उधर से ले लेते। मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो अभी तक सर्वे नहीं हुआ इनका। जी सर्वे हुआ हमारे इलाके में, थोड़ा सर्वे हुआ बस, वो अच्छा। करके अपनी जो खाना पूरी करते हैं वो चले जाते हैं। अच्छा सर्वे हुआ आपके इलाके में? हमारे इलाके में हुआ, पर हमें राशन नहीं मिला जी, कोई शहर नहीं इस टाइम मिल रही, इस टाइम से हमें इन्होंने बिलों पर मारा हुआ है, हर महीने जो बिल लेना बिजली के वो उन्होंने हमारी जान निकाली हुई है। कोई कानून के पास ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा साफ नहीं है इनके पास जो निकाल के कहें यार आवाम थोड़ी जिनी सुख हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ज़िंदगी में मेरी 50-52 साल उम्र है, मैंने ऐसे हालात नहीं देखे जो तो, ऐसे हालात यानी अब जो हालात हैं वो आपने नहीं सर बचपन में भी नहीं देखे? नहीं जी नहीं, मैंने देखे किसी नहीं, दौर में भी किसी भी दौर में नहीं देखे जो इस टाइम हालात ख़राब है। हमें तो इनको वोट देते हुए कि हम शर्म आती है कि इनको वोट क्या देंगे, हमने तो वोट नहीं देना। तो ये क्या समझते हैं इन हालात को बनाने वाला IMF है या हुक्मरान खुद है? भाई ये सारी पार्टी खुद बैठी हुई है, ये खुद खा रहे हैं अंदर से। नहीं देखे ना, हर किसी का शौक तो नहीं होता ना। ये कर्जा क्यों ले रहे हैं? ये कर्जा क्यों ले रहे हैं बाहर से? उनकी शर्तें मान मान के टैक्स डाली जा रहे हैं लोगों के ऊपर। अब मेरे घर का बिल उसके ऊपर टैक्स दे लो, 4,000-5,000 रुपये टैक्स है, किस चीज़ का टैक्स है? एक छापा लगाने वाले को क्या टैक्स है? उसका जो कारोबार करा के दें 10-15 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया लगा के दें, भाई तेरे पे टैक्स है, भाई तेरे पे लगा दिया, तू 10,000 रुपये रोज कमा रहा है। गरीब आदमी 4-5 सौ या 1,000 रुपये कमाने पे क्या टैक्स है? वो क्या कमाएगा? बच्चों को पढ़ाएगा, रोटी देगा, क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता। उसके ऊपर टैक्स है, उसका बिल उठा के दे लो, उसके ऊपर कितने टैक्स डाले हुए हैं?
देखें जी, ये तो हालात हैं कि एक आम आदमी पर कितने टैक्सेस का बोझ आ गया कि उसका पूरे का पूरा बजट जो है वो हिलकर रह गया। एक जो कि खुद कमाने वाला 1000-1200 रुपये कमाने वाला शख्स है, उसके लिए कमाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी कि एक जो सफ़ेद पोश तबका है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाला तबका है, वो बेहद परेशान हो जाता है कि उसका पूरा बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वजह क्या है कि बेसाख्ता बिजली के बिलों से और दूसरा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने की वजह से लोग परेशान होते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक आम शख्स पर, एक आम आदमी पर, एक आम पाकिस्तानी पर टैक्सेस का बोझ और जो बिजली के नरखों में इजाफा होने का बोझ कितना असरअंदाज करता है? अच्छा, अभी तो मैं अगर बात करूँ टैक्सेस की, तो टैक्सेस की तो इतनी भरमार है कि आम बंदे को तो चाहिए कि वो मर जाए, उसको पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है जी, आप एक सुई से लेके वॉश टॉयलेट के साबुन तक हर चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है जी, अब वो टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, टैक्स किस जगह पे लगाया जा रहा है, हमें आज तक नहीं पता, ना हमें कभी बताया गया। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि जी मुल्क इस वक्त दिवालिया हो गया जी, आवाम को ज़रूरत है। आवाम कहाँ कहाँ इनका साथ दे। एक आम बंदा जो 1000 रुपये की दिहाड़ी कमाता है, ठीक है जी, वो शाम को इनके टैक्स पे करेगा, बिल पे करेगा, अपने बच्चों का राशन लेके जाएगा, वो अपनी बीमार बीवी की मेडिसिन लेगा, बच्चों के स्कूल अखराजात लेगा, वो क्या करेगा? सिंपल से अगर मैं अपनी बात कर देता हूँ, अगर मैं इस मुल्क का सिटीज़न हूँ, ठीक है जी, आप पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी हूँ मैं, ठीक है जी। अब मुझे पाकिस्तानी होने को डिफ़ाइन करने के लिए मुझे यानी कि ना लॉजिक चाहिए। बीइंग ए सिटीज़न, मुझे बताएं क्या मुझे मेडिकल की फैसिलिटी मुझे दी गई है, क्या मुझे एजुकेशन की फैसिलिटी दी गई, क्या मुझे हेल्थ की फैसिलिटी दी गई? मैं MSc एग्रीकल्चर हूँ। अच्छा, ठीक है, क्या मुझे जॉब दी गई? हमारा मुल्क की जो इकोनॉमी है वो 70% एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है, मगर एग्रीकल्चर बेस ही जो है वो हमारे वो बेरोज़गार बैठा हुआ है। और आप चेक कीजिएगा, अगर मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो एक गाड़ी पाकिस्तान में लेनी सस्ती है या ट्रैक्टर लेना सस्ता है? सर, गाड़ी मेरे ख्याल में सस्ती है। ठीक है, सारी बात है, अगर आप सिंपल सी एक गाड़ी सेक लेते हैं तो बैंक उस पर मार्कअप इतना ले रहा है, 8-10% ले रहा है, लेकिन जब एक किसान ट्रैक्टर लेने जा रहा है तो उसको मार्कअप इतना है 15-17%। नहीं सर, अब तो मार्कअप वो भी बढ़ा दिया गया, 20% कर दिया गाड़ी का भी, 20% भी कर दिया गया है। एक बेचारे किसान को खाद चाहिए, आपकी वो शॉर्ट है, ठीक है जी, एक बेचारे को मेडिसिन चाहिए, आपकी वो शॉर्ट है, उसको जदीद आलात चाहिए, आपके वो शॉर्ट है। ये मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब एग्रीकल्चर सेक्टर आपका चलेगा तो किस बेस पर चलेगा? अब वाली बात है, इलेक्ट्रिसिटीज़ पे चलेगा लोग, आपने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए, आपने हर 24 घंटे के बाद आपका एक मैसेज आता है कि जनाब हमने 7 रुपये बढ़ा दिए, 8 रुपये बढ़ा दिए, 12 रुपये बढ़ा दिए। भाई जान, ये किस अथॉरिटी के थ्रू आप बढ़ा रहे हैं? आपके पास क्या प्लान है, आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, आप किस चीज़ को फॉरकास्टिंग करते हो कि भाई जान हम ये रेट बढ़ाएँगे? दुनिया को अगर चेक कर लें, दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है, हमारा तेल महंगा हो रहा है। आप फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस के मद में पे लगे हो फुल टाइम, आप अदर टैक्सेस में हमारी हो, आप फ्यूल, अब उसमें मैं उसके बाद प्राइस एडजस्टमेंट में, अदर टैक्सेस में, टैक्सेस में, लेवी में, ठीक है जी, उसके बाद कार्बन टैक्सेस में, एक लंबी भरमार है। अरे तो फिर लोग जो है वो फिर वोट क्यों देते हैं? अब जिस तरीके से मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने वोट दिए होंगे तो फिर लोग वोट देकर उन लोगों को ही क्यों मुंतखब कर रहे हैं? हम तो वोट नहीं दे रहे, लोग तो हर किसी को रिजेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, आपने वोट नहीं दिया? नहीं, एक अशराफिया बैठी हुई है जो आपस में बंदर बांट है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि भाई जान हम 6 माह के लिए हैं, 1 साल के लिए हैं, 2 साल के लिए हैं, उसमें उनको वाम को कुछ लेना देना, उन सबके अपने मफादात है। IMF से आपका कर्जा आ रहा है, अब मैं बताएं आपने कहाँ लगाया? मैं सिंपल मुल्तान की बात कर लूँ, मुझे आपसे क्वेश्चन है, कोई एक रोड बता दें जो उन्होंने दोबारा से डेवलप किया हो, कोई एक कैफेटेरिया बता दें जिसको उन्होंने बेहतर किया हो, कोई एक पार्क मुझे बता दें जिन्होंने बेहतर किया हो, कोई एक रेलवे का इंजन जिनको बेटर किया हो, कोई एक हॉस्पिटल जिसमें इन्होंने ए क्लास की फैसिलिटीज़ दी हों, तो आप मुझे बताएं। मैं कहता हूँ ठीक है जी, निश्चर 2 बना दिया है, अब आपका बाईपास वगैरह जो है ये रोड बन रहे हैं, इन पर डेवलपमेंट हो रही है, तो पैसा तो लग रहा है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लग रहा है ना। अगर इकोनॉमिकली बात करें तो आवाम को इस वक्त क्या ज़रूरत है?
रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना, आपको पता ही नहीं है हमारे ऊपर जितने इकोनॉमिस्ट बैठे उनको पता ही नहीं है कि मुल्क इसमें इस वक्त नीड किस चीज़ की है। आपको भूख लगी है तो आप कहते हैं रोड खा लो जी, अगर आपको रोड की ज़रूरत है आप कह रहे हैं जी हम डैम की तरफ जा रहे हैं जी, अगर आपको डैमों की ज़रूरत है आप कहते हैं हम ब्रिजेस की तरफ जा रहे हैं, अगर आप ब्रिजेस की ज़रूरत है तो आप महंगाई मार्च की तरफ निकल आते हैं। आपको तो खुद नहीं पता कि आपने क्या करना है, आपके पास खुद ही प्लान नहीं है कि हमने जाना किस तरफ है, हमने करना क्या है, हमने ये तो जी वाकई एक बड़ा संगीन मसला है कि हमारे पास रोड मैप नहीं है कि हमने मुल्क को लेकर किस तरह चलना। अगर हमारे पास एक रोड मैप डिफ़ाइन हो जाए कि हमने मुल्क को तरक्की याफ्ता किस तरह बनाना है, तो फिर मेरे ख्याल से हमारा मुल्क की आवाम जो है वो खुशहाली की तरफ आ सकती है। ये एक बड़ी अच्छी बात की, और MSc एग्रीकल्चर होने के बावजूद जो ये इस वक्त नौकरी नहीं है, ये भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है, और जिसका मेजर हिस्सा एग्रीकल्चर वालों के लिए ही इस वक्त परेशानी का बायस हो, तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेंगे? कोई फ़ायदा बता दो कि हम बात करेंगे क्या हो जाएगा। वोट हमने इमरान खान को दिया, वो जीता, जब वो जीत गया बंद दूसरा गया, जीता मैं हूँ, बना उसको दिए, तो बात करने वहाँ जहाँ मुझे नहीं समझ आती, मैं इनको क्या करूँ, बस अल्लाह ताला माफ़ करे। तो इतना दिल बर्दाश्ता देखें आपके, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपकी इस वक्त आवाज़ में जितना इस वक्त दर्द है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हालात देख कर, कि मैं सोच भी नहीं सकता कि आप जैसा एक बाहिम्मत, जिसे हमें हिम्मत लेनी चाहिए, हम जैसे नौजवानों को आप लोगों से हिम्मत लेनी चाहिए, कि वो अब इस वक्त इतना तंग आ चुका है कि वो पाकिस्तान के हालात में बात ही नहीं करना चाहता। बात क्या करें, कौन है जो सुनेगा, सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो पर बात क्या करें, किसके साथ करें, किसको बताएं? सर बताने जाओगे तो फिर वो आपको ही पकड़ लेंगे कि हाँ भाई इसने ये बोला है, इधर तो वो है, छोड़ो इस बात को, लावारस हो गई पाकिस्तान के अवाम, लावारस हो गए। आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, तो जब हमने वोट दिया उसको, वोट वो जीता, हम पर्ची लेके आए जीत गया है, तो बाद में उसको जेल में डाल दिया, उनको पकड़ के दूसरों को बना दिया, कौन सा हमारा, हम तो अपना हक भी नहीं किसी को दे सकते, देते हैं तो वो भी छीन लेते हैं। यानी कि अवाम को इतना लाचार कर दिया कि वो अगर अपने हक की आवाज़ भी बुलंद करे तो वो आवाज़ भी बुलंद नहीं होने देते। देख लो कितने लोग पकड़े हुए। तो आप क्या समझते हैं कि ये इनकी आपस की दुश्मनी के अंदर ही अवाम का बेड़ा गर्क हुआ है? मिली भगत है इनकी आपस की दुश्मनी, इमरान खान से क्या दुश्मनी है कि वो बाहर निकलेगा, अवाम को उसकी सहूलतें दे देगा, इसीलिए यही दुश्मनी। और तो इमरान खान ने क्या किया इनका, उसके दौर में भी तो जी सहूलतें तो नहीं मिली थी ना, उसके दौर में देखें पेट्रोल 300 क्रॉस हो गया, कोरोना आया था जी, आया, अगर इनके दौर में कोरोना होता तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता, ये भी सोचो ना। अच्छा, दूसरे मुल्क दिवालिया हो गया, ये नहीं हो सकता था, बच गया ना। हाँ जी, दिवालिया होने से उसने बचाया ना, जैसे भी बचाया ना, उसके बाद तो इसने तरक्की करनी थी, उसके बाद उसको पकड़ के जेल में कर दिया कि हैं ये मुल्क का सोचता है, ये अवाम का सोचता है, जो अवाम का सोचेगा या अवाम की बात करेगा उसको तो जिंदा भी नहीं रहने देंगे। देखें जी ये हालात आ चुके हैं कि अब लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, कि वो बात करने की सकत ही नहीं है, कि क्या बात क्या करें, किससे करें, किसको सुनाएं, कौन सुनेगा। खुदारा अवाम का सोच लें, आपस की लड़ाइयाँ वो लड़ते रहिएगा, वो उस वक्त अच्छी लगती हैं कि जब आपका सामने वाला ओपोनेंट जो है वो आपके अपने मुकाबले का हो। यहाँ पर अवाम से आपका मुकाबला नहीं हो सकता, अवाम बहुत छोटी है आप लोगों के आगे, क्योंकि आप लोगों के पास ताकत है, अवाम के पास ताकत नहीं है। अवाम को तो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर जो है वो साइड लाइन लगा दिया, एक दीवार के साथ लगा दिया, बस अवाम उसी दीवार को ही देख रही है। देंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको सुनाया कि आवाम जो है वो इस वक्त कितनी परेशान है और हद से ज़्यादा जो है वो मायूस हो चुकी है, कि आवाम जो है वो खुद को इस वक्त महसूर और एक ग़ुलाम वाली सिचुएशन में अपने आप को महसूस करती है, कि आवाम जो है
वो इस वक्त बड़ी परेशान है कि लोग जो हैं वो इस वक्त आवाम के लिए हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर रही, और बेसाख्ता बिजली के बिलों में इजाफ़ा और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा एक आम शख्स को हिला कर रख देता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि अचानक ही बिजली के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, अचानक ही जो है वो पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, एक आम शख्स के बजट पे किस तरह असरअंदाज होता है? बस ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे गुजारा कर सकता है, क्योंकि गरीब तो जब से जो है ना वोट पड़ रहे हैं उसी टाइम से पिसता आ रहा है। क्यों गरीब आदमी कहाँ तक कर जाए, महंगाई इतनी बड़ी है, जो ताज़ा कमाने वाला आएगा उसके अंदर समझ लो कुछ भी नहीं बच रहा। आप क्या काम करते हो? मैं करता हूँ मेहंदी का काम। मेहंदी का काम? अच्छा ये बताएं कि पहले वाले काम में और अब वाले काम में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? पहले वाले काम के अंदर जो है ना बचत अच्छी थी, पैसे बच जाते थे घर के लिए, अब में जी महंगाई इतनी हुई पड़ी है कि किराया भर के जाते हैं वहाँ जाके पैसे कुछ बनते नहीं। तो पहले मेहंदी में किस तरह बचत आती थी, किस तरह कमाते थे? पहले थे सामान था सस्ता, हर चीज़ थी सस्ती, उसके ऊपर ये है कि बजट नहीं था इतना, अब बजट इतना निकला कि कुछ बच रहे नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है कि आपको आप खुद समझदार है कितनी महंगाई हो रही है। तो ये जो बेसाख्ता बिजली के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, तो इससे जो है वो हुकूमत की तरफ से आवाम जो है वो क्यों परेशान, आवाम परेशान है कि इतने रेट क्यों बढ़ा दिए गए? बस सर जी रेट इसलिए बढ़ा दिए गए क्योंकि अमीर लोग हैं जो वो तो सही जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा भर नहीं सकता बिल। अब बिल आया मेरा जो है ना कम से कम हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, कोई फ्रिज भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन फ्रिज फिर भी जो है ना बिल तकरीबन 20,000 का 15,000 का इतने का बिल आया। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो बिजली के यूनिट हैं वो कितने कंज्यूम होते हैं? यूनिट हमारे होते हैं तकरीबन जो है ना 300 होता है यूनिट। 300 यूनिट। तो ये जो इन्होंने वादे किए थे 300 यूनिट के? हाँ जी, लेकिन वो वादे भी नहीं पूरे हो रहे इनके। वादे भी नहीं पूरे? वादे भी नहीं पूरे हो रहे। और वोट इन्हीं को ही दिया था आपने? वोट इनको नहीं दिया था मैंने, किसी को भी नहीं दिया था। किसी को भी नहीं दिया, वजह क्या थी वोट ना देने? वजह ये थी कि महंगाई इतनी कर दी है इन्होंने। सारों नहीं। अच्छा, क्योंकि जो आ रहा है वही अपनी महंगाई करी जा रहा है, पहले सस्ता कर देते हैं बाद में महंगा कर देते हैं। ठीक है जी, सस्ता महंगा जो है वो उसमें आवाम जो है वो पिसती हुई नज़र आ रही है, कि आवाम जो है वो इस वक्त बड़ी परेशान नज़र आ रही है कि जो पहले अखराजात थे वो हमारे काबिले बर्दाश्त थे, मगर अब जो अखराजात हैं वो हमारे बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं आप? मैं कलर का काम करता हूँ, रंग साज। अच्छा ये बताएं कि कितना कमा लेते हैं? कमाना क्या है सर, बस 1,100-1,100 रुपये दिहाड़ी है, कहीं 1,200 भी मिल जाती है। अच्छा, वो भी हफ्ते में कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। तो पहले काम रेगुलर लगता था या अब आकर जो है वो काम में मसला है? तकरीबन आज से 6-7 साल पीछे चले जाओ तो उस वक्त दिहाड़ी भी कम थी और जो है कि काम भी मुसलसल चलते थे, जो कलर थे उनके रेट भी कम थे, तो इस वजह से लोग काम भी करवाते थे और आमदनी भी अच्छी थी। अच्छा, कुछ बच भी जाता था, लेकिन अब तो घर के खर्चे पूरे नहीं होते, बिजली के बिल इतने इतने आ जाते हैं कि घर की चीज़ें बेच कर बिजली के बिल पे करने पड़ते हैं, अगर ना करें तो मीटर उतार लेते हैं, अगर कुछ बात करो तो फिर आगे से मसले मसाइल पैदा कर देते हैं। तो पेट्रोल कितना आपको अफेक्ट करता है? पेट्रोल क्या करें सर, बस काम पे जाते हैं 1,100-1,100 रुपये दिहाड़ी होती है, उसमें से 250-300 का पेट्रोल लग जाता है, पीछे वही बचते हैं 700-800 रुपये। तो ये जो इन्होंने कहा था कि जी हम उजरत बढ़ाएंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर जो काम कर रहा है उसकी उजरत को बढ़ा दिया जाएगा, 30,000-35,000 कर दी जाएगी, बजट के अंदर ये मंजूरी हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों की उजरत में इजाफा हुआ? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। मसला ये है कि जब भी ऐलान होता है सरकारी जो मुलाजिम है उनकी तो तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, लेकिन जो मज़दूर है उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि मज़दूर के लिए छुट्टियाँ आती हैं सरकारी, लेकिन सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह पूरी दी जाती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मज़दूर के लिए तो कुछ नहीं है।
मजदूर अगर छुट्टी करेगा उसको कौन दिहाड़ी देगा। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि सरकारी मुलाजमीन छुट्टी भी कर ले तो उसकी तनख्वाह पूरी पूरी है उसकी, और जो दिहाड़ीदार बंदा है वो जाहिर सी बात है जब अगर कोई छुट्टी कर लेगा उसको कौन देगा, उसको तो कोई नहीं दे रहा ना। वो तो अगर छुट्टी करेगा तो उसका तो चूल्हा ही बंद हो जाएगा, घर में चूल्हा ही बंद हो जाएगा। तो ये बताएं कि फिर क्या हल है इसका? इसका हल यही है कि गवर्नमेंट को कंफर्म ऐलान करना चाहिए कि कम से कम मजदूर की दिहाड़ी 1400 से 1500 रुपए हो, ताकि उसका घर का खर्चा चले। अगर गवर्नमेंट ऐलान करेगी तो जहां पे बंदा काम कर रहा है मालकान वो देंगे, जब ऐलान ही नहीं होगा कौन देगा? सबको पता है कि एक से एक जो तंग ऐलान ऐलान तो ये कर रहे हैं ना, ऐलान तो इन्होंने किया, एक्शन तो कोई नहीं ले रहा ना। लेकिन वो कहने का मकसद ये है कि एक्शन होना चाहिए ऐलान के बाद। जी जी, इलेक्शन तो कोई नहीं ले रहा, बस जो दिहाड़ी चल रही है वही दे रहे हैं बस। इलेक्शन जी, अब ऐलान जो करते हैं ना, ऐलानों के बाद उन पर एक्शन भी करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा क्या कहेंगे कि एक आम शख्स पर बिजली के बिल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कितना असरअंदाज होती है? ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि कम होना चाहिए, पेट्रोल भी कम होना चाहिए, बिजली गैस वगैरह यही ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, इसी पे चलना होता हर चीज़। अगर यही काम नहीं होंगे तो फिर कैसे फिर वो निज़ाम मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल, आवाम जो है वो इस वक्त बड़ी परेशान नज़र आ रही है कि जो बग़ैर ऐलान किए बिजली के नरखों में इजाफ़ा अचानक कर दिया जाता है, और उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत में अब जो हालिया इजाफ़ा हुआ है उससे आवाम जो है उस पर मज़ीद बोझ पड़ा है, जिसकी वजह से उनका घरों का जो राशन और एक बजट है वो अच्छा खासा जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। और आवाम जो है वो इसे यही चाहती है कि हमारे वोट जो है वो आपको डलने के बावजूद भी हमें रिलीफ नहीं दिया गया। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।